भूमि अधिग्रहण बिल पर मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस आज दिल्ली में किसान रैली कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं रैली को सफल बनाने के लिए हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कार्यकर्ता दिल्ली कूच करने से पहले चंडीपुल के पास ग्रीन विस्टा पार्क में इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम के नारे लगाए और मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। 21 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में पुलिस के सामने ग्लेशियर भी अब चुनौती बन गए हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का जायजा लेकर लौटे आईजी संजय गुंज्याल ने सब अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि ग्लेशियर मार्गों पर आ गए हैं, जिन्हें हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बद्रीनाथ मार्ग पर तो ग्लेशियर यात्रा से पहले ही हटा दिए गए थे। संजय गुंज्याल के मुताबिक पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। इस बार अस्थायी थाना भी पहले ही खोल दिया गया है। चारधाम यात्रा को सरकार ने और सरल बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अब ग्रीन कार्ड मैदानी जनपदों के साथ साथ पूरे प्रदेश में किसी भी स्थान से प्राप्त किए जा सकेंगे। प्रस्ताव को परिवहन मुख्यालय स्तर से मंजूरी मिल गई है। इस पूरे काम में करीब 80,000 रुपए का खर्च आएगा। मकसद यह है कि चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और दूरस्थ इलाकों के वाहन चालक अगर ग्रीन कार्ड बनवाने के इच्छुक हैं तो उन्हें ऋषिकेश आने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि आदेश तो पूरे प्रदेश में किसी भी सेंटर से ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए कर दिए गए, लेकिन तकनीकी स्टाफ की घोर कमी को विभाग कैसे पूरा करेगा। चारधाम यात्रा शुरू होने में बस चंद दिन बाकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने में नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में यही लगता है कि चारधाम की स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के लिए कोई चुनौती नहीं बल्कि मजाक है। चारधाम यात्रा की तैयारियां सीएम हरीश रावत की निगरानी में है। ऐसे में पूरी सरकारी मशीनरी का फोकस चारधाम पर है, मगर बीजेपी को ये कवायद जरा भी रास नहीं आ रही। तोमतों का बाजार गर्म है, ये कोई नया फसाना नहीं है बल्कि बचने का बहाना है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बार केदारनाथ यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कत ना होने का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ जाकर यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के बाद बीजापुर में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं को पहले के मुकाबले कई ज्यादा रोमांच मिलेगा। उन्होंने कहा कि सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग के काम में तेजी लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बीजेपी नेताओं की पैदल यात्रा पर चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उन्हें छेद ढूंढने दो, मैं अपना काम करता रहूंगा। लोगों के जज्बातों का ख्याल रखते हुए सरकार ने गैरसैंण में विधान भवन बनाने की पहल की है और विधानसभा सत्र चलाने के दावे भी कर रही है, लेकिन भवन निर्माण की जो चाल है उसे देखकर कतई नहीं लगता कि ये काम तय वक्त पर पूरा हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में गैरसैंण का लेकर सरकार गंभीर है। सूबे में विधानसभा चुनावों में अभी अच्छा खासा वक्त बचा है, लेकिन नेताओं के बीच चुनावी जो चर्चा जोर पकड़ने लगी है। जहां कांग्रेस संगठन में मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के बीच कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर केंद्र से पत्राचार हो रहा है, तो वहीं भाजपा नेता कांग्रेस के पत्राचार पर चुटकी ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की माने तो हालांकि ये कांग्रेस के घर का मामला है, लेकिन कांग्रेस में से चुनाव कोई भी लड़े, 2017 में सरकार बीजेपी ही बना रही है। उत्तराखंड सरकार सूबे में विकास के लाख दावे करे, मगर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार में सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को राज्य सरकार में मोर्चे पर फेल ही नजर आती है। निशंक की माने तो सरकार उलझी हुई है या उन्हें कंफ्यूज गवर्नमेंट कहें, जिससे ये पद तक नहीं पता कि कब कौन सा काम करना है और सरकार के इसी व्यवहार के चलते प्रदेश में विकास का पहिया रुकसा गया है। उत्तराखंड में 2018 में होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में अब तेजी हो गई है। इस सिलसिले में भारतीय उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के बीच एमओयू साइन हुआ। इस दौरान सीएम हरीश रावत से लेकर खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद रहे। सीएम हरीश रावत का कहना है कि राज्य नेशनल गेम की सफल मेजबानी करते हुए करार के मुताबिक खेलगांव और दूसरी तमाम सुविधाएं मुहैया कराएगा। तो वहीं खेल मंत्री ने कहा कि सीएम इस आयोजन को लेकर बेहद गंभीर है और खुद भी इसमें रुचि ले रहे हैं। फर्जी महिला आईएएस रूबी चौधरी मामले में दिन ब दिन हो रहे नए खुलासे एलबीएस अकादमी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी टीम ने एलबीएस अकादमी पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों के दोबारा बयान रिकॉर्ड किए। जांच को लेकर खासा गंभीर डीजीपी बीएस सिद्धू के मुताबिक टीम द्वारा जब्त किए गए सबूत की क्रॉस चेक जांच हुई और रूबी के बयान के आधार पर क्रॉस चेकिंग के लिए एसआईटी टीम मसूरी गई। डीजीपी के मुताबिक एक सप्ताह के भीतर ही पूरे मामले की तस्वीर सामने आ गई है। सूत्रों की माने तो सौरभ जैन ने एक बार रूबी से मुलाकात की बात को स्वीकार कर लिया है। रूबी के पास 4 से 5 प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलने भी चौंकाने वाला है। मुख्यमंत्री हरीश रावत रुद्रप्रयाग जिले के दौरे पर गए हैं। सबसे पहले सीएम हेलीकॉप्टर से सुबह केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केदारनाथ में सीएम ने कार्यदायी संस्था निम के प्रिंसिपल कर्नल अजय कोठियाल से मुलाकात की और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
नेपाल में भारत के राजदूत रंजीत रे अपने दो दिवसीय दौरे पर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। रंजीत रे ने नेपाल सीमा पर प्रस्तावित पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना की प्रगति का जायजा लिया और साथ ही आर्मी स्कूल के अध्ययनरत नेपाली छात्र छात्राओं के साथ भी मुलाकात की। सीमांत क्षेत्र के पहुंचे रासायनिक रंजीत रे का कहना है कि दौरे का मुख्य उद्देश्य नेपाल और भारत की सीमा पर बसे गाँव के लोगों की तकलीफों को समझना है, जिससे उनका बेहतर हल निकाला जा सके। उन्होंने भारत और नेपाल के बीच सड़क और पुलों के विस्तार पर भी जोर दिया। रुड़की में बेमौसम बरसात की मार झेल रहे किसानों को अब बंदरों और आवारा पशुओं की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बावजूद इसके संबंधित विभाग किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आलम यह है कि बारिश से बची हुई फसल को अब बंदरों ने पूरी तरह से बर्बाद करने में लगे हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। खटीमा विधानसभा से बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के इशारे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा उनके नाम का शिलान्यास लापट तोड़ने का आरोप लगाया है। विधायक पुष्कर सिंह धामी ने विरोध में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री हरीश रावत का पुतला फूंका, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विधायक पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंका। रामनगर पुलिस ने पेरुमदारा इलाके में 16 अप्रैल को हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि हत्याकांड का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक हत्या दोस्तों ने ही अपने दोस्त को लूटने के लिए की। पुलिस ने बताया कि आरिफ का दोस्त हामिद ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर आरिफ की हत्या की। अब देहरादून के स्कूलों में मोटी रकम अदायगी के बाद होने वाले दाखिलों पर विजिलेंस टीम नजर रखेगी। जो भी स्कूल इस मामले में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पब्लिक स्कूलों की मनमानी और स्कूलों के बाहर नशे के कारोबार की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने तमाम स्कूलों के प्रबंधकों समेत अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने स्कूल प्रबंधकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि स्कूलों में दुकानें खोलने के बजाय पढ़ाई का स्तर सुधारने पर ध्यान दिया जाए। रुड़की के एक निजी कॉलेज के अभिभावक सड़क पर उतर आए। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधक की लापरवाही के चलते 2500 छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब चुका है। अभिभावक इतने गुस्से में थे कि उन्होंने तमाम बच्चों के साथ चेतावनी दी कि अगर स्कूल प्रबंधन ने स्कूल को बंद करने की कोशिश की तो अभिभावक अपने बच्चों के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों के आंदोलन का हिस्सा बने छात्रों की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को एबीवी के छात्रों ने दून के एक स्कूल में तोड़फोड़ की, जिसके बाद छात्रों के खिलाफ स्कूल प्रबंधक द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि एबीवीपी ने अभी प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।